हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं बजाज शक्ति प्लस का जो इलेक्ट्रिक गीजर आता है उसको इंस्टॉलेशन करके और कैसे किया जाता है, सब कुछ बताने वाले हैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आप लोग को बताएंगे। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बजाज शक्ति वाटर हीटर करके लिखा हुआ है, 25 लीटर का हमारा वाटर हीटर है, इसको इंस्टॉलेशन करेंगे और सब कुछ आप लोगों को बताएंगे कैसे किया जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको निकाल लेते हैं बाहर। बाहर निकालने के बाद आप लोग आगे और दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो गीजर को बाहर निकालने में, बाहर निकालने के बाद जो इसका थर्माकोल था इसमें टूट के चिपक गया है, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ता है, लोड पड़ने की वजह से भी टूट जाता है, सही से रखा था नहीं तब भी टूट जाता है। तो उसका आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। आप लोगों को गीजर आप लोगों के पास सेफ्टी साथ है, बस उतना ही है। बाकी आप लोग देख सकते हो इसमें वायर लगा हुआ है, सब कुछ है। और बाकी यहाँ पे आगे आप लोगों को दिखाते हैं और चीज़। तो देख सकते हो आप लोग ऊपर के साइड में जो इनलेट लिखा हुआ है, इसमें इनलेट का पाइप आप लोगों को कनेक्शन करना है। जो आउटलेट लिखा है जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पे आप लोगों को आउटलेट का पाइप कनेक्शन करना है। तो उसको आप लोगों को आगे बता देंगे कैसे भी इसका कनेक्शन करना है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अभी इसके साथ में मिला था मुझे दो, मतलब 4 गुल्ले था और 4 स्क्रू था और इसमें इनलेट और आउटलेट का पाइप भी था, साइड में था वो। तो मैं देखा हूँ तो उसको निकाल दिया हूँ। तो अभी उसका जो कनेक्शन करना है, इनलेट और आउटलेट का पाइप जो है इसमें थोड़ा छोटा था, 1-1 फिट का आता है। तो आप लोग इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट से आप लोग मंगा लीजिएगा। मैं तो इसको मार्केट से मंगा लूँगा, क्योंकि ये छोटा, जहाँ पर लगाना है हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर में करके लगाना है तो मिलेगा नहीं वहाँ से। तो मैं जहाँ पे लगाना वो एरिया देख चुका हूँ। और गुल्ली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, राउंड प्लग भी इसको कहते हैं और आप लोग उधर पता नहीं क्या कहते हैं आप लोगों का, आप लोग जानिएगा किस हिसाब से आप लोग इसको करके बुलाते हैं। तो आप लोग उसको जान लीजिएगा, मेरे यहाँ राउंड प्लग कहते हैं और गुल्ली और पेच भी कहते हैं इसको। तो चलिए, अभी जहाँ पे गीजर लगाना है वहाँ पे दिखा दिए थे आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो इधर राइट वाला है मतलब इनलेट का पाइप है और जो लेफ्ट वाला है आउटलेट का। और यहाँ पे हमारा बोर्ड है जहाँ पे पावर सॉकेट और मिनी एमसी भी लगा हुआ है, मतलब गीजर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो देख सकते हो आप लोग गीजर का बोर्ड इस हिसाब से लगाइएगा ताकि आप लोगों का जहाँ पे बोर्ड रहे आप लोग हाथ से आप लोगों को मिल रहे ऑन ऑफ करने के लिए। नहीं तो ऊपर लगवाते हैं तो आप लोग स्टार्ट कहीं पे स्विच लगवा लीजिएगा ताकि ऊपर रहेगा तो आप लोग यहाँ स्विच दबा के वहाँ से चालू कर लीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान दें। और यहाँ पर जो नट बोल्ट था इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। और खोलने के बाद क्या करते हैं कि जहाँ पे मार करना है मार करके हल्का हल्का ढीला कर लेंगे, उसमें भी हो जाएगा। नहीं तो खोल के निकाल लेंगे, खोल के निकालने के बाद भी मार्क हो जाएगा आराम से। तो इसको क्या करते हैं, खोल के दीवार पे मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। अभी उसको वहाँ पे मार्क करके छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा इनलेट और आउटलेट पाइप का कनेक्शन करना है उसको मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। कनेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सीधा मार्क करके, आप लोगों को खोलना नहीं है, सीधा मार्क कर लेना आप लोगों को उठा के उस पर। और इस पर टेपलॉन टेप लगा हुआ आएगा, तो टेपलॉन टेप आप लोग निकाल दीजिए, अपने हिसाब से लगाइएगा इसको ताकि अच्छा रहेगा। आप लोग अपने हिसाब से जितना मोटा उस पर आएगा उतना आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। उसमें पतला लगा हुआ था उतना से लीक करता टेपलॉन टेप, तो हम लोग अलग से लगा रहे हैं, आप लोगों को लगा लेना है। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को लगा के उसके बाद क्या करना है, इसको टाइट कर देना पूरा बराबर, जो इसमें इनलेट और आउटलेट का पाइप है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, फटाफट इसको लगा के उसके बाद फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हो आप लोग दोनों पे टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद जो इनलेट और आउटलेट का पाइप था उसको मतलब लगा के, और इसको इसमें नट टाइप है इसका, मतलब एक पाना समझ लीजिए, पाना है उसको उस पर टाइट कर देंगे। तो नीचे वाला यहाँ से खोल के निकाल देंगे, यहाँ पर ड्रिल कर देंगे, ऊपर वाला ड्रिल कर देंगे, नीचे वाला मार करके उसी हिसाब से हम ड्रिल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ ड्रिल कर देंगे। इस पर क्या करते हैं, जो इसका राउंड प्लग था राउंड प्लग को इसमें लगाएंगे। और लगाने के बाद क्या करते हैं कि इसको फटाफट टाइट कर देते हैं, और टाइट करने के बाद फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम भी इसमें बच जाएगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। लगाने के बाद इसको टाइट करना है, तो वहाँ पे जो अंदर इसके थोड़ा सा खांचा टाइप रहता है वहाँ से आप लोग इसको टाइट कर लीजिएगा। वहाँ से टाइट होने के बाद यदि नहीं टाइट होता तो क्या कीजिएगा, आप लोग दोनों जो इसका नट है नट ले लीजिएगा और आगे पीछे करके आप लोग को उस पर टाइट करके उसके बाद घुमा के आप लोग को टाइट कर लेना है। इससे आप लोग को अच्छा से टाइट हो जाएगा, पूरा भरपूर टाइट हो जाएगा। और आप लोगों को ध्यान रखें, ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो उस मतलब आधा जो आप लोगों को अंदर दिख रहा है उतना ही करना है, उतना ही करके आप लोगों को छोड़ देना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको तो टाइट कर दें। अभी सभी को क्या करते हैं, इसी तरह से टाइट करके, टाइट करने के बाद आगे आप लोगों को दिखाते हैं।
तो आप लोग देख सकते हो इसको, तो मैं टाइट कर दिया हूँ। अभी लास्ट वाला एक बचा हुआ है हल्का सा, उसको भी सोचा हूँ कि आप लोगों को दिखा के और इतना ही पे टाइट कर देते हैं। देख सकते हो आप लोग पूरा फिक्स हो गया है हमारा यहाँ पे। अभी क्या करते हैं कि जो हमारा गीजर है, गीजर को उठाते हैं और जो हमारा इस पर क्या करते हैं कि स्टैंड पर इसको लगा देते हैं। तो चलिए लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। देख सकते हो आप लोग गीजर जो हमारा लग चुका है और जो वाशर था, वाशर का आप लोगों को क्या करना है कि बाहर के साइड में रखना है। बाहर के साइड में रहेगा तो पूरा सपोर्ट रहेगा। अभी क्या करते हैं कि नीचे के साइड में जो दो स्क्रू लगाना है, दोनों स्क्रू क्या करते हैं ड्रिल करके और यहाँ पे क्या करते हैं कि लगा देते हैं। दो चारों लगा रहेगा तो आप लोगों को क्या रहेगा उसमें कि 25 लीटर का गीजर है तो आप लोगों का लोड ज़्यादा रहेगा। तो चारों नट बोल्ट उस पर लगा के यदि आप लोग रखेंगे तो पूरा उस पर भरपूर आप लोगों को सेफ्टी से रहेगा और गिरने का डर नहीं रहेगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, आप लोगों के पास आता है तो चारों नट बोल्ट लगवाइएगा। यदि आप लोग लगाते हैं चारों लगवाइएगा, यदि कोई मिस्त्री आकर लगाता है तो उससे भी आप लोग चारों लगवा लीजिएगा। तो देख सकते हो आप लोग चारों जो हमारा था वो लग चुका है। अभी क्या करते हैं गीजर को इस पर स्टैंड कर देते हैं और स्टैंड करने के बाद इस पर आप लोग इनलेट और आउटलेट जो पानी का पाइप है, जो पानी का पाइप आया है उस पर आप लोग कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग जो इनलेट और आउटलेट पाइप का जो पाइप जो आया है पानी वाला, वहाँ पे क्या करते हैं कि उसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसमें लोग जैसे सीमेंट वगैरह चला गया तो उसको क्या करते हैं थोड़ा पेचकस से लेके साफ़ करके, और साफ़ करने के बाद क्या करते हैं खोल के आप लोगों को चेक करा देते हैं कैसे आप लोगों को चेक करना है इनलेट और आउटलेट का, उसको भी आप लोगों को चेक करा देते हैं आगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि फटाफट इसको भी खोल के और दिखाते हैं आगे आप लोगों को। तो देख सकते हो आप लोग एक साइड का मतलब खुल गया और इसको लगाते हैं। लगाने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि उसमें सिंपली आप लोगों को जो इसका कैप है, कैप के साथ में आप लोगों को टेपलान टेप ले लेना है। टेपलान टेप लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उसमें लगा देना। तो चलिए आगे आप लोगों को लगा के और दिखाते हैं। तो लगाने के लिए आप लोग देख सकते हो पहले आप लोगों को वैसे लगा देना। तो लगाते समय एक दिक्कत इसमें आ गया था, जो हमारा इनलेट और आउटलेट पाइप जो था उसका जो ब्रश एल्बो जो लगा हुआ था वो अंदर चला गया है। और क्या करना है कि इस पर कैप लगा के आप लोगों को लगाना है तो उसमें एक दिक्कत हो रहा था। तो क्या किया कि इसमें एक ब्रश निप्पल आता है, ब्रश निप्पल यदि आप लोग जाके कहोगे पौना का तो ब्रश निप्पल आप लोगों को दे देंगे सब, आप लोग उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। तो देख सकते हो आप भी यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो प्लम्बर का काम करके गए थे इनसे मैं पूछा था कि अंदर चला गया क्या करें इसके लिए, तो वो लोग बताए थे कि ब्रास निप्पल आप लोगों को आपको ला लेना है और क्या करना कि इसको अंदर टाइट कर देना, टेपलान लगा के टाइट कर दीजिएगा। तो देख सकते हो आप लोग मैं यहाँ से ब्रास निप्पल लेके आया हूँ पौना का और यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको टाइट कर देंगे बढ़िया से, और ऊपर से उसको जो लगा रहे थे हम लोग कैप के साथ में उसको आप लगा देंगे तो पूरा अच्छा से हो जाएगा। आप लोग अभी ऐसे अंदर चला जाता तो आप लोग ब्रास निप्पल ला के इसको आप लोग बाहर करके और लगा सकते हैं। तो इसमें जो इसका पीछे के साइड में वाशर था, वाशर को भी लगा लेंगे। अभी आप लोग लगा लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए क्या करते हैं कि इसको पूरा दोनों को फुल टाइट कर देते हैं। और इसमें आप लोग ये जो राइट लेफ्ट साइड वाला जो लगा रहे हैं हम, ये आउटलेट का आउटलेट पाइप का कनेक्शन है। तो इसमें देख सकते हो आप लोग पानी नहीं था, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा पानी वाला है कौन सा बिना पानी वाला है। उसको आप लोग क्या करना है कि जहाँ से आप लोग यहाँ पे गीजर का चालू करने का सिस्टम रहेगा वहाँ से चालू कर लीजिएगा। निकालने के बाद जो इसमें लगा हुआ है उसको निकालने के बाद आप लोग चालू कर लीजिएगा। चालू करने के बाद देखिएगा कि इसमें से पानी आ रहा है, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा इनलेट बना लीजिएगा, और जिसमें से पानी नहीं आएगा उसको आप लोग आउटलेट बना दीजिएगा। तो इसमें मेरा आउटलेट का पाइप है, आउटलेट का पाइप इसमें क्या करते हैं कनेक्शन कर देते हैं। देख सकते हो आप लोग कनेक्शन करने के लिए सिंपली जैसे आप लोगों को उधर मैं दिखाया था गीजर में कनेक्शन करने के लिए, वैसे ही आप लोगों को सीधा बिल्कुल पकड़ के और क्या करना कि इसको टाइट कर देना है। तो चलिए इसको भी टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद टेपलान टेप आप लोग लगाना मत भूलिएगा, टेपलान टेप हर जगह लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, जितना उस पर आप लोगों को मांगेगा टेपलान टेप उसी हिसाब से लगा के और इसको टाइट कर देना है। तो चलिए इसको दोनों को लगा के फिर फटाफट टाइट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग इनलेट का पाइप चेक करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पानी खोला था तो इसमें पानी आया हल्का से भीग गया है, तो यही मेरा इनलेट का है इससे पता चल गया। आप लोग इसी हिसाब से पता कर लीजिएगा, और इसमें भी आप लोग देख सकते हो हल्का पानी था तो ऐसे पता चल जाएगा आप लोगों का इनलेट और आउटलेट का पाइप कौन सा आप लोग लगाएंगे तो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी क्या करते हैं कि इसमें जो ब्रश निप्पल था उसको भी लगा के और इसको भी टाइट करके आगे आप लोगों को पूरा कंप्लीट दिखाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग इधर का भी मैं लगा दिया हूँ। अभी क्या करना है कि इसमें जो इनलेट का पाइप है, इनलेट का पाइप का कनेक्शन करना है, तो सेम जैसे आप लोग आउटलेट का पाइप का कनेक्शन किए हैं वैसे ही इसको भी कर देना। और आप लोग इस बात का ध्यान रहे कि आप लोग को पूरा फुल इसको मतलब टाइट रखेगा, लूज रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से पानी लीकेज करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से टेपलान लगा के टाइट कर दीजिएगा ताकि लीकेज का कोई प्रॉब्लम ना रहे। अभी देख सकते हो आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर था और टाइट भी कर देंगे। अभी चलिए गीजर को ऑन करते हैं। गीजर ऑन करने के बाद आप लोग
लोगों को क्या करते हैं कि दिखाते हैं गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें गीजर ऑन करने के लिए आप लोगों को तीन वायर दिख रहा हो, तीन वायर में एक रेड है, एक ब्लैक है और एक मतलब येल्लो करके ग्रीन का पट्टी लगा हुआ है। तो ग्रीन वाला जो आप लोगों का रहेगा वो मतलब अर्थिंग का वायर रहेगा, जो रेड वाला आप लोगों का रहेगा वो फेज वाला रहेगा, जो मतलब ब्लैक वाला रहेगा वो आप लोगों का न्यूट्रल का वायर रहेगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना और आप लोगों को अपने हिसाब से इसको कनेक्शन करके और लगा दीजिएगा आप, ठीक है। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं इसमें गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो इसका मेन लाइन का प्लग था उसको भी क्या कहें कि 16 एम्पीयर का वहाँ पे मतलब प्लग लगा के और इसको भी क्या कहें कि वहाँ लगा दिए और इनलेट और आउटलेट का पूरा कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे चालू करते हैं और चालू करने के बाद देखते हैं गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हल्का गर्म पानी आ रहा है, अभी थोड़ा सा और गर्म हो रहा है तो इसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बाफ बन के उड़ रहा है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को शायद कैमरे में अच्छे से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर हाथ से दिखा दे रहे हैं आप लोगों को एक बार और, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से हल्का हल्का बाप बन के उड़ रहा है और नीचे भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं तो बाप बन के निकल रहा है वहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए आए चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।